बहनों और प्यारे बच्चों विचित्र संजोग मुझे तो सब लोग एक बुद्धिस्ट कार्यकर्ता के रूप में जानते हैं मगर मैं प्रणाम करता हूं आगलावे जी को कि उनका तो नाम ही बुद्ध की विचारधारा से सराबोर है कैसे प्रदीप प्रदीप का मतलब होता है दीपक अभी दिल्ली के विश्व भारती ने चार वेदों का अनुवाद प्रकाशित किया वो उस ऋग्वेद की भूमिका में लिखते हैं कि वेदों में सुख सुविधा के सारे सामानों का वर्णन होते हुए भी मुझे यह जानकर बड़ी निराशा हुई कि इस ऋग्वेद में या चारों वेदों में कहीं भी वैकल्पिक प्रकाश का वर्णन नहीं है वैकल्पिक प्रकाश क्या होता है जो प्राकृतिक प्रकाश होता है वो सूरज का और चांद का बाकी जितने भी प्रकाश हैं चाहे वो ये मोमबत्ती हो चाहे हमारे घर में दीपक हो चाहे लालू की लालटेन हो वो सब वैकल्पिक प्रकाश हैं और ये जो प्रदीप शब्द है इस पर बौद्धों का पैटेंट है ये बौद्धों की थाती है बौद्धों की सांस्कृतिक पहचान है जब बुद्ध से पहले दीपक शब्द कहीं नहीं मिलता तब भगवान बुद्ध की वाणी में ये शब्द के दर्शन होते हैं जब वो कहते हैं अत दीपो ये दीपक हमारा हमारे पुरखों की खोज हमें उस पर गर्व है और आज के जो नायक है ना प्रदीप एक दीपक की विशेषता बताता हूं मेरे सामने तो बहुत बड़े बड़े हस्ताक्षर बैठे हैं मैं तो कुछ भी नहीं हूँ मुझे गलती से डॉक्टर कह दिया भैया मैं तो कंपोडर भी नहीं हूं हाँ बाबा साहब के एहसान को मानने वाला उनका अनुयायी जरूर हूं तो आज आप जानते हैं अच्छी तरह देखते हैं दीपक की एक विशेषता गांठ बांध लेना और यहां से बाहर जाकर उसे झाड़कर मत फेंक देना दीपक जब कहते हैं ना दीपक जल रहा है दीपक तो मिट्टी का होता क्या मिट्टी जलती है नहीं जलती जल कौन रहा है तेल जल रहा है वो कॉटन की बाती जल रही है और वो कॉटन की बाती को और तेल को संभाले हुए दीपक अपने क्या संदेश दे रहा है ना तो वो तो तेल कहता कि यह दीपक मेरे कारण जल रहा है ना वो बत्ती कहती कि ये दीपक मेरे कारण जल रहा है ये उनको सबको धारण करके चलता है तो प्रकाश उत्पन्न होता है अंधकार के विनाश का मार्ग प्रशस्त होता है तो आज की ये सबसे बड़ी सीख है बाबा साहेब डाक अम्बेडकर के आंदोलन में जितने भी अगुवा पुरुष हैं ना चाहे वो राजनीतिक हैं सामाजिक हैं धार्मिक हैं उस श्री की लड़ाई में पागल होकर बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के आंदोलन को पलीता लगाने में लगे हैं तो दीपक से आपको ये एक सीख लेनी है सर आप साठ साल के हो गए ज्यादा हो गए ना एक, एक पक्ष ज्यादा हो गया साठ की महिमा क्या है मायावती ने लखनऊ में साठ हाथी खड़े किए उस साठ का मतलब क्या है साठ का मतलब बौद्धों के समय से उनके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण दिन होता था उस दिन उत्सव मनता था पूर्ति शब्द घड़ दिया गया संस्कृत में उसका कारण यह है कि भगवान बुद्ध ने सारनाथ के मिघ दाव में जब भिक्षु संघ की स्थापना की थी और कार्तिक पूर्णिमा के दिन अपने सामने जिन भिक्खुओं को खड़ा करके आदेश दिया था चारिक अंग बहुजन हिताए बहुजन सुखाए उनकी संख्या कितनी थी वो साठ संख्या थी तो ये साठ संख्या भगवान बुद्ध के पहले प्रवचन के समय जो मौजूद थी वो बौद्ध इतिहास की दिशा बदलने निकले थे साठ के साठ भिक् और वो तो उन्होंने भगवान बुद्ध ने उन साठ भिक्खुओं को पांच तो पूर्व पर थे और एक यश कुल पुत्र क्या मिला बुद्ध को वो अपने चार मित्रों को और खेच के ले आया और चार और वो पांचवा यश मिलकर के पचपन और ले आए पचपन बुद्ध के शिष्य बनारस के थे यश के मित्र थे तो साथियों पहले वर्षावास में भगवान बुद्ध ने अपने भिक्षुओं को ज्ञान का कुएं के रूप में तैयार किया ज्ञान के कुंभ ज्ञान के कुंभ तैयार किए बुद्ध के समय में भी वो कहावत प्रचलित थी जो आज हम यहाँ भी सुनते हैं क्या है अरे प्यासे के पास कुआं थोड़ी आएगा प्यासा जाएगा कुएं के पास मगर बुद्ध ने सारी अनर्थकारी रीतियों का खंडन किया और अपने उन ज्ञान के कुओं से कहा चरथ भिक्खु चारिकंग अये भिक्खु चारिका करो ज्ञान का लेकर के ज्ञान पिपासुओं के पास जाओ अज्ञानता का नाश करो नहीं तो ये मानव जाति समाप्त तो हो जाएगी ये बुद्ध का जो प्रयास था जगाने का वो हमारे प्रदीप आगलावे जी के माध्यम से मैंने देखा उनको मैंने एक ग्रंथकार के रूप में सबसे पहले देखा और उनकी जो किताबें हैं ना हिंदी भाषा में जिनके अनुवाद हुए हैं बहुत प्रचलित हैं उनके बाद में जब मैंने इनको वक्ता के रूप में देखा तो मुझे अपने पेशा आने लगी ऐसा पढ़कर वक्ता आ जब बोलता है तो समझ लो आग उगलता है आग कौन सी आग घर फूकने वाली आग नहीं वो दीपक में दिए में जो लोग जल रही है ना लोगों को रास्ता दिखाने वाली आग वो जलती है मैंने देखा और जिन शिष्यों ने आगलावे जी के संबंध में इस ग्रंथ का निर्माण किया है प्रकाशन किया है दिनों रात मेहनत की है मैं जानता हूं क्योंकि पत्र इससे जुड़ा हुआ था मैं उन बच्चों को भी नमन करता हूं कि ये परंपरा बच्चों जीवित रखना कि भैया उत्तर भारत के चमार और महाराष्ट्र के महार आप अपने अपने क्षेत्र में शेड्यूल कास्टों में सबसे बड़े भाई हैं आबादी की दृष्टि से वो कुवत पैदा करो अपने बीच में कि जो जितनी दूसरी शेड्यूल्ड कास्ट जातियां हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं बैकवर्ड क्लासेज हैं आप उनका मन जीते हैं और मन जीतना जबान मात्र से नहीं होता उसके लिए योजनाएं बनती हैं। तीन परसेंट आबादी वाले व्यक्ति ने सारे देश में अपना सिक्का चला रखा है और पिचासी परसेंट वाले आपस में लड़ने में और भिड़ने में लगे हैं ये दस्तूर अब बंद होना चाहिए अब कार्यक्रम क्या बनने चाहिए कि बाबा साहब ने सारी जातियों को एक नाम दिया था शेड्यूल कास्ट और सारे बैकवर्ड्स को एक नाम दिया था बैकवर्ड क्लास मेरी अटल मान्यता है मेरे से कोई चर्चा कर ले मैं सिद्ध कर दूंगा कि जितने भी इस देश में आज बैकवर्ड हैं ओबीसी हैं शेड्यूल कास्ट हैं पुराना नाम जिनका जो अछूत हैं और आदिवासी हैं ये सारे के सारे सम्राट अशोक के पुत्र हैं इनके सब एक बाप की संतान हैं और इस शैतान व्यक्ति ने जिसने इस देश में शासन करना चाहा उसने हमें तोड़ दिया हमारे संगठन को मरोड़ दिया और हम हमें, हमें विपन्नता की हालत से जोड़ दिया उससे अगर मुक्त होना है तो संगठित तो हो जाओ संगठित तो हो जाओ और संगठित अकेले एक जाति नहीं सब जातियों को साथ लेकर के हो जाओ अभी सम्यक प्रकाशन ने एक काम किया है वो सारी जातियों का इतिहास छाप रहे हैं उनके पोस्टर छाप रहे हैं और उसका असर ये हुआ है जी गवाह हैं इस बात के जब हम नानदेड़ गए थे मांग मातक जाति का जो हमने ग्रंथ प्रकाशित किया था उसके विमोचन के सिलसिले में गए थे तो उसके बाद में मांग मातंग लोग कितनी भारी संख्या में हमारे सर से जुड़ रहे हैं हमारे संपर्क में आ रहे हैं मैं तो आपसे एक बात यही गुजारिश करूंगा कि अभी तक इस समाज ने खास तौर से उन नेताओं ने जिनका मैं वर्णन करूंगा तो मैं कोलगेट नहीं है मेरी जेब में इस बाबा साहब के जाने के बाद अपना पराक्रम नहीं दिखाया अगर बाबा साहब की तरह वो भी जुट जाते तो ये सारा जो परिवार है विभिन्न जातियों का ये सब एकजुट होता और हमें जो अपने भविष्य जो भया वह भविष्य नज़र आ रहा है उससे हमें मुक्ति मिलती तो साथियों आज की जो भूमिका उनके पास है अभी तक वो एक सरकारी पद था सब पद की एक सीमा होती है मगर ज्यों ही आप हुए रिटायर त्यों ही ख़त्म हो गई हद अब आप उड़ान भरिए सारे भारतवर्ष की आपकी तरफ निगाहें हैं मुझे अमेरिका से आपकी प्रशंसा में फोन आते हैं इंग्लैंड से फोन आते हैं ऑस्ट्रेलिया में मेरा परिवार रहता है वहाँ से फोन आते हैं आपने बाबा साहेब डाक्टर अम्बेडकर का वैचारिक राजदूत बनकर वैचारिक एम्बेसडर बनकर जो भूमिका निभाई है रिटायरमेंट के बाद तो उसमें चार चांद लगने चाहिए इसी अपेक्षा के साथ इसी अपेक्षा के साथ त्रि रत्नानुभावेन कामना करता हूं कि आप सदा स्वस्थ रहें सुखी रहें दीर्घायु हों और संसार के समस्त प्रकार के सुख और ऐश्वर्य की शीतल वर्षा आप पर होती रहे इन्हीं शब्दों के साथ ज्यादा बोल गया हूँ तो माफ कर देना कोई बात चुभ गई हो तो चर्चा कर लेना कोई बात अच्छी लग गई हो तो घरवाली को बताना घर वाले को बताना पड़ोसियों को बताना और रिश्तेदार को बताना इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम